जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस में मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से मैंने एक नई लेक्चर सीरीज शुरू की है जिसका नाम है गणित का प्रसाद। दोस्तों, प्रसाद इसलिए क्योंकि ये छोटी लेक्चर सीरीज, मतलब इसमें वीडियो आपका 10 मिनट का रहा करेगा मैक्सिमम। केवल मैं 2 सवाल सिखाऊंगा और 4 सवाल आपको होमवर्क के लिए दिया करूंगा ताकि आप डेली इस तरीके का लेक्चर देख पाओ, ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पर मैं कुछ ऐसा किया करूँगा कि जो सवाल ज़्यादातर फ्रिक्वेंटली बच्चे गलत करते हैं, जो बेसिक कंसेप्ट है जिनकी वजह से सवाल उनसे अक्सर गलत हुआ करते हैं, उन बेसिक कंसेप्ट को सिखाने का प्रयास करूँगा। आप सभी ने कक्षा 10वीं तक गणित पढ़ाई है, यानी प्रतिशत, ब्याज वगैरह जितने भी चैप्टर कंपटीशन एग्जाम में आते हैं आप सब पहले से ही पढ़ चुके हो, ठीक है। तो उनको बार बार शुरू से पढ़ना, ए बी सी डी से शुरुआत करना, वो चीज़ें मुझे इतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती, क्योंकि मैं देखता हूँ कि बच्चे वहीं से पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो गलतियाँ वही करते हैं जो वो बचपन से करते चले आ रहे हैं। तो वो जो छोटी छोटी गलतियाँ बच्चों से होती हैं, उन गलतियों को लेकर मैंने ये गणित का प्रसाद नाम की लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आप सभी ने बोला था कि सर आप रेलवे के लिए, व्यापम के एग्जाम्स के लिए गणित की क्लासेस चालू कीजिए। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले रेलवे, एमपीएसआई, कांस्टेबल, जितनी भी एग्जाम्स के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं सब के लिए ये रामबाण होगा, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी बेसिक कंसेप्ट हैं जहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं ये लेक्चर सीरीज शुरू कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज को शुरू तो करने जा रहा हूँ, इसको आगे बढ़ाना है तो आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी, मेरा प्रोत्साहन वर्धन आपको करना पड़ेगा। जब आप इस वीडियो लेक्चर पे 500 लाइक्स कंप्लीट कर देंगे तभी मैं इसका पार्ट 2 डालूंगा, ठीक है दोस्तों। और मैं तो चाहता हूं कि मैं डेली एक लेक्चर इस वीडियो सीरीज में डाल पाऊं। तो शुरुआत करते हैं आज के 2 सवालों से। आज के दोनों सवाल दोस्तों साधारण ब्याज के हैं, लेकिन सवाल चाहे भले से किसी भी चैप्टर के हों वो आपके लिए इतना मायने नहीं रखेगा, कंसेप्ट्स मायने रखेंगे। मैं सबसे पहले आपको एक चीज बताता हूँ, एक लाइन आपको क्लियर करना बताऊँ। वैसे ज़्यादातर बच्चे जानते ही होंगे, लेकिन जिनका बहुत कमज़ोर है गणित या भाषा पे, जिनकी कमांड अच्छी नहीं है, उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ। जैसे कहीं पर लिखा है कि ए बी का एक्स बटे वाई है, यहाँ पर काफ़ी बच्चे गलतियाँ कर जाते हैं इसको समझने में। इसको आप आज समझ लीजिए, एक बार समझ लीजिए, फिर कभी गलती मत करिएगा, क्योंकि छोटे छोटे एग्जाम में इस तरीके की चीज़ें बहुत रहती हैं, ठीक है। क्वेश्चन का एक पार्ट ऐसा रहता है, भले सा क्वेश्चन पूरा नहीं आया इस पर। यहाँ पर हमको ये समझना है कि ए और बी का संबंध दिया गया है भिन्न के रूप में, यहाँ पर एक्स बटे वाई आपकी भिन्न है, भिन्न के रूप में। इसका मतलब ये है कि जो बी है वो वाई है और जो ए है वो एक्स है, यानी ए की वैल्यू कितनी है एक्स और बी की वैल्यू कितनी है वाई, इन यूनिट, यूनिट्स में। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी, एग्जैक्ट कुछ हो सकती है, 4x, 5x, 10x कुछ भी हो सकती है। अगर इसकी 4x है तो बी की 4y होगी, मतलब इस तरीके से। लेकिन यूनिट वैल्यू अगर देखी जाए तो ए एक्स को रिप्रेजेंट करता है और वाई जो है वो बी को रिप्रेजेंट करता है। ये चीज़ आप समझ लीजिए, ये भी आज के प्रश्नों का एक बेसिक कंसेप्ट है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि किस वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि का 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा, ठीक है। दोस्तों पहले इंक चेंज कर लेते हैं, ब्लू कर लेते हैं, ठीक है। आपको क्या सबसे पहले समझना है दोस्तों, दर क्या होती है। दर दोस्तों ब्याज के रूप में अगर देखी जाए तो हर 100 रुपए पर कितने रुपए ब्याज के रूप में देने पड़ रहे हैं उसको दर कहते हैं। अगर हमको ब्याज हर साल देना पड़ रहा है तो वार्षिक दर कहेंगे, हर 6 माह में देना पड़ रहा है तो छमाही कहेंगे, हर 3 माह में देना पड़ रहा है तो त्रैमासिक कहेंगे। ज्यादातर सवालों में वार्षिक ही रहता है, यहां पर भी वार्षिक है, ठीक है। तो दर क्या हो जाता है, दर का फॉर्मूला इसी आधार पर आ जाएगा कि आपको कितना ब्याज देना पड़ रहा है 100 रुपए पर। तो ब्याज बटे मूलधन अगर हम केवल इतना लिख देंगे तो इससे हमको समझ में आ जाएगा कि 1 रुपये मूलधन है तो कितना ब्याज देना पड़ेगा, लेकिन हमको तो 100 रुपये पर चाहिए तो गुणा हमको 100 का भी करना पड़ेगा, पीछे परसेंट का चिन्ह लगा देंगे। तो ये दर का आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब हम इस सवाल के हिसाब से समझेंगे। सवाल में दोस्तों क्या कह रहे हैं, हमको ब्याज चाहिए और मूलधन चाहिए, ये दो चीज़ें पता चल जाएंगी हमको तो हम दर निकाल लेंगे, ठीक है।
हमको दर वार्षिक चाहिए, यानी एक साल का ब्याज हम लिखेंगे केवल। कितने साल का ब्याज लिखेंगे? एक साल का। तो एक साल का ब्याज चाहिए और मूलधन चाहिए, तो हम दर निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे दोस्तों। यहाँ पर एक लाइन लिखी है, साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। ठीक है, अभी मैंने जो बताया था ना, एक्स बाई का ए बटे बी, ए बी का एक्स बटे बाई होगा, तो किस कैसे संबंध बताएंगे। तो ये समझ गए कि नहीं हम, कि साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। इसका मतलब क्या है, मूलधन कितना होगा आपका? 5 होगा, और साधारण ब्याज कितना होगा? 2 होगा। यानी ब्याज कितना निकल आया आपका? ब्याज निकल आया 2 यूनिट, और मूलधन कितना निकल आया? 5। मूलधन पता चल गया, ब्याज पता चल गया। अब चूंकि दोस्तों ये ब्याज कितने साल का है? 10 सालों का है। क्या मुझे 10 साल का ब्याज चाहिए? नहीं, मुझे 1 साल का ब्याज चाहिए। तो 10 साल का ब्याज पता है 2 यूनिट, तो 1 साल का कितना हो जाएगा? 2 में हम 10 का भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा? 0.2 यूनिट। अब इसी फॉर्मूले में रख देंगे, ब्याज की जगह कितना लिखेंगे? 0.2, और मूलधन की जगह कितना लिखेंगे? 5 × 100%। ठीक है, बराबर इसको हल करेंगे, 5 से ये कट गया 20 बार, और 20 का 0.2 में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? 4%। 4% वार्षिक आपकी दर हो जाएगी। ए आंसर आपका सही हो जाएगा। दोस्तों अभी थोड़ा मेरे लिए नया है ये सिस्टम, इसलिए राइटिंग इतनी अच्छी नहीं आ पा रही है, लेकिन धीमे धीमे मैं इसमें एक्सपर्ट हो जाऊँगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न पढ़िए आप, ये भी लगभग आपको वैसा ही लगेगा। किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 भाग होता है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अरे ये तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है, भोले बच्चे क्या समझते हैं कि ये तो वैसा ही था। वो एक बार वैसा सवाल कर लेते हैं, फिर वो सवाल की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। 10 साल लिखा है, 2/5 लिखा है, और वो सीधे निकाल देंगे, फिर से 4% निकाल देंगे। जबकि 4% दोस्तों क्या हो जाएगा? गलत। क्यों गलत हो जाएगा? अभी मैं आपको बताता हूं। देखो आप समझो, साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 भाग होता है, ये लिखा है। इसका मतलब क्या है, मिश्र धन कितना हो गया? 5, और साधारण ब्याज कितना हो गया? 2। अगर वही वाली लाइन जो पहली लाइन मैंने बिल्कुल क्लास शुरू होने के पहले समझाई थी, उससे आप डिकोड करेंगे तो ये चीज समझ में आ गई आपको, 2/5। समझ रहे हैं? तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर मैंने पहले से ही लिख रखा है आपका, 2 तो हो गया ब्याज, और 5 क्या हो जाएगा? मिश्र धन। बहुत से बच्चे क्या गलती कर देते हैं, 5 को फिर मूलधन समझ लेते हैं। अब हमको दर निकालनी है। ठीक है, 2 कितने साल का ब्याज है? 10 साल का। दोस्तों हमको सबसे पहले 1 साल का ब्याज लिखना पड़ेगा। 1 साल का कितना निकल के आया? 0.2, हम पहले वाले सवाल में ही निकाल चुके हैं। अब मूलधन कितना होगा? मिश्रधन पता है, मूलधन नहीं पता हमको। मिश्रधन कितना है? 5। और मूलधन कैसे पता चलेगा? मिश्रधन में से ब्याज को घटाना पड़ेगा कि नहीं, तब तो मूलधन मिलेगा। तो मिश्रधन 5 है और ब्याज 2 है, तो 5 में से 2 को घटाएंगे तो कितना मूलधन आ जाएगा? 3 मूलधन होगा। तो 3 को बटे में लिखेंगे, गुणा 100%। यहां से हम गुणा कर लेंगे, 100 का 0.2 में होगा तो 20/3, तो कितना आ जाएगा? 20/3%। 20/3 को ही अब हम भिन्न के रूप में लिखेंगे, अगर इसको समय मिश्र भिन्न के रूप में तो निकाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा? 6/2/3%। किसी को अगर ये निकालना नहीं आता तो मैं उसको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो कैसे निकालते हैं हम, 20 में भाग देंगे 3 का। ठीक है, कितनी बार गया? 6 बार, 18। शेषफल कितना बचा? 2। जो शेषफल बचता है उसको ऐसे साइड में लिखते हैं, और जिससे भाग देते हैं उसको बटे में लिखते हैं। तो ये कितना आ गया? 6/2/3% दर। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही सरल सवाल थे आज के दोनों ही सवाल, और मुझे उम्मीद है जो भी बच्चे एवरेज से ऊपर हैं उनको ये सारे कंसेप्ट और ये सारी चीज़ें आती होंगी। ठीक है, लेकिन ये लेक्चर सीरीज आप सभी के लिए है। आपको जिन जिन प्रश्नों में भी दिक्कत हो रही है, वो प्रश्न आप हमें इंस्टाग्राम के माध्यम से मैसेज से मुझे भेज सकते हैं पर्सनली। ठीक है, आईडी की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहाँ से आप मुझे भेज सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों मैं अन अकेडमी पर RRB NTPC जिसकी आपकी काफ़ी डिमांड कर रहे थे, उसके लिए मैंने एक कोर्स भी वहाँ पर गणित के कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ मैं।
ठीक है। तो पहला कोर्स अभी मैं बना रहा हूँ, अभी लॉन्च नहीं किया है, ठीक है। तो वो आप देखिएगा, तो कुछ दिन बाद उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक आ जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं, उनको आप क्लियर कीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही हर एक चैप्टर के हमें वहाँ पर 30-20 जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न मुझे मिलेंगे उनको इकट्ठा एक साथ ला के रखा करूँगा, ठीक है। तो आज का मैं आपको होमवर्क दे दूँ, ये 4 प्रश्न आपके लिए होमवर्क में है। ये प्रश्न दोस्तों, जो 2 प्रश्न हमने किए हैं उनसे थोड़ा सा लेवल इनका अच्छा है, तो आपको अगर ये दोनों प्रश्न अच्छे से पहले से भी बनते थे फिर भी आप इन 4 प्रश्नों को हल कीजिएगा, ठीक है। अगले लेक्चर में मैं इन 4 प्रश्नों का आंसर आपको बताऊंगा, अगर आपको वहां पर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसका भी सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और ये आप बताओगे कैसे पसंद करके, आपको लाइक करना है। जब तक 500 लाइक मुझे नहीं मिल जाते दोस्तों, 500 लाइक्स कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक मैं अगला लेक्चर तैयार नहीं करूंगा, ठीक है दोस्तों। मेरा भी तो आप उत्साह बढ़ाइए, ठीक है, तब तो मैं आगे आपके लिए और भी बेहतरीन, अभी MPPSC व्यापम के दूसरे सब्जेक्ट्स उन सभी के लिए भी मैं लेक्चर्स तैयार करने वाला हूँ। धन्यवाद, जय माता दी।